अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं जैन टैग। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के टॉपिक में जो है हम सीखेंगे कि हम एडोब स्कैन से जो है किस तरीके से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह स्कैन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, और इससे जो है ना हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऐप्स होते हैं, हम लोग कैम स्कैनर यूज़ कर रहे थे पहले, लेकिन अब यह है कि हमने सोचा कि एक न्यू ऐप भी ट्राई करें और इसकी स्पीड वगैरह और इसकी चीज़ें देखें और किस तरीके ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपना स्कैन करता है, ये भी हम जो है देखें। तो एडोब स्कैनर जो है अपना हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। जब डाउनलोड होता है तो फिर आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो है हमें करना है। अच्छा, तो ये जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे एडोब को, और एडोब को ओपन करने के बाद अब ये जो है ना हमसे गूगल वगैरह का साइन अप वगैरह कह रहा है, तो मैं साइन अप कर लेता हूँ गूगल से। इसको मैं एडिटिंग में हाइड कर दूँगा, नॉट एन इशू। तो मैं गूगल से जो है वो अपना साइन अप कर लेता हूँ उसको। आई एम वेटिंग, और गूगल से जो है मैंने इसको साइन अप कर लिया है। अब आगे जो है चलते हैं कि किस तरीके से जो है ये वर्क करता है। अच्छा, ये जो है, अच्छा, वही वाला सीन जो हमारे साथ जो हो जाता है, हम साइन इन कर रहे हैं लेकिन हमें अभी साइन अप करना है क्योंकि हम न्यू आए हैं अभी इधर ना। तो साइन इन का मतलब ये होता है कि आपका पहले से अकाउंट हो और आप उसको लॉग इन कर लें, और साइन अप का ये होता है कि आप अकाउंट जो है क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मैं वेट करता हूँ कि क्या सीन है, फिर जो है हम इसके अंदर अपना अकाउंट अभी जो है वो क्रिएट करते हैं। देखें, ये चीज़ शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट कर लूँगा। क्रिएट एन अकाउंट के बाद ये ईमेल एड्रेस वगैरह मांग रहा है, ईमेल लगा देते हैं, और नाम जो है हम डाल देते हैं अपना, ठीक है, टैग डाल देते हैं हमारे चैनल का नाम। पासवर्ड मैं अवामी पासवर्ड रखूँगा, ठीक है, और उसके बाद अपना जो है अपना ये कह रहा है कि पहले ही आपका अकाउंट एग्जिस्ट करता है इससे, तो मैं मेल चेंज कर दूंगा, ठीक है, मेल चेंज हो गई। ओहो, चलो मैं मेल डालते ही हूँ, ठीक है। अब ये है कि अपना हम आगे की तरफ तो चलते हैं क्रिएट अकाउंट पर। अब ये मेल का कह रहा है कि आप मेल लाजमी डालें, ठीक है, मैं मेल देख लेता हूँ। ओके, मेल भी ओके हो गई। पासवर्ड जो है वो इनवैलिड बता रहा है, अभी पासवर्ड को जो है वैलिड करते हैं। अपना पासवर्ड भी वैलिड हो चुका है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब मंथ मंथ का कह रहा है, हम मंथ डाल लेते हैं। एयर का कह रहा है, एयर डाल लेते हैं, लेकिन ये इतनी पंचायत होनी नहीं चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। आपको इनको जो है इजी मेथड सिंपल करना चाहिए ताकि हर कोई जो है ना इजी करके यूज़ कर सके। अब इसी चीज़ को जो दूसरा वर्जन आप देखें ना दूसरे ऐप्स में, उसमें इतनी पंचायत नहीं है, लेकिन इधर इतना जो है ना इशू बन जाता है। चलें, कोई इशू नहीं है। अब हम जो है अंदर की तरफ आ गए हैं। आपको वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाए तो उसका जो है वो अपना ना कीजिएगा, थोड़ा बहुत नोट नाउ करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद लेट्स गो पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसको हम लाइव जो है स्कैन कर सकेंगे अपने कैमरे के थ्रू, ठीक है, और कैमरे के अलावा जो है ना हम यहाँ पे एल्बम से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कोई भी जो है हमारे पास जो एल्बम होगा उस एल्बम से जो है हम अपना पिक्चर जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है स्कैन कर सकते हैं। अब मैं जो है वो इस वाली को मैं करना चाहूँगा, ठीक है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद मैं इसको अपना जो है स्कैन कर लूँगा यहाँ से। तो इसको मैं पीडीएफ की जो है वो सेव थ्रू जो है सेव कर सकता हूँ इसको, और इसको रिसाइज कर सकता हूँ, इसको क्रॉप कर सकता हूँ, ये तमाम चीज़ें कर सकता हूँ। मैं इसको सेव एज पीडीएफ करता हूँ तो ये मेरी पीडीएफ के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से ना गाइज आप इसको ईजीली जो है ना कर सकते हैं। आप इससे स्कैन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, और आप इससे पीडीएफ भी बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करें। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।